सरकार ने दिव्यांगों और लाचार लोगों के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाकर उन्हें राहत देने और इस शारीरिक कमी को भुलाने का प्रयास किया, लेकिन विभागीय लापरवाही और कार्मिकों के आलस्य की वजह से इन योजनाओं को पूरा लाभ असली जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। नमस्कार, ANH न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र शर्मा। राजस्थान के राजसमंद कलेक्ट्री परिसर में आमेट उपखंड के गुनिया गांव के रहने वाला अपनी मानसिक विमंडित माँ के साथ पहुंचा। यहां 16 वर्षीय किशोर भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है। ये दोनों अपना खुद का काम भी खुद नहीं कर पाते हैं। पिता की मौत के बाद इसके काका काकी ने दिव्यांग की माँ को घर से बाहर निकाल दिया। सभी तरफ से बेसहारा हुए ये माँ बेटा अपनी दूर के रिश्तेदार की बहन के पास पहुँचे और उसके पास रहने लगे। अब 3 बच्चों और परिवार के साथ रह रही बहन भी अधिक दिन तक इन्हें नहीं रख पाती, जबकि इनकी पुश्तैनी जमीन पर रिश्तेदार कब्जा किए हुए बैठे हैं। इस परिवार में 2 लोग दिव्यांग हैं, लेकिन इन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला तो दूर दूर इन्हें परिवार से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व यह परिवार कलेक्टर, SDM और सरपंच के अलावा कैंप में भी योजना और सुरक्षा दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। तो वहीं राजसमंद महिला मंच के कार्यकर्ताओं के साथ ये फिर से कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और अपनी पीड़ा सुनाई। हमारे महिला मंच कार्यालय में करीब 8 महीने हो गए उस वक्त ये महिला आई थी और इन्होंने बताया कि इनका जो बहन है उसका बच्चा जो कि विकलांग है और वो बच्चा जो है वो ना तो बोल सकता है ना चल फिर सकता है, और लेकिन उस बच्चे के नाम पे ज़मीन है और उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो ये सारी विपदाओं में वो जो रह रही है उसकी माँ, उसको उसके देवर और देवरानी ने घर से निकाल दिया और उनकी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो इन बच्चों को और उसके माँ को उसका हक दिलाने के लिए, सरकार की योजना दिलाने के लिए, जो कि अभी तक इनको नहीं मिली है, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और पूरे 8 महीने से ये लोग दर बदर भटक रहे हैं, जहाँ जहाँ इनको कह रहे हैं ये सब जगह जा रहे हैं। पहले भी कलेक्टर से मिले, उसके बाद SDM से मिले, SP से मिले, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई इनकी। तो हम चाह रहे हैं कि अगर इनकी कार्रवाई हो जाए तो उस बच्चे को भी इसका हक मिलेगा और जो इसकी माँ है जिसका अधिकार है उसकी ज़मीन पे और संपत्ति पे, वो उसको प्राप्त हो, जिससे कि ये लोग अच्छे से जीवन। मैं जगदीश की मौसी से लगती हूँ दूर के रिश्ते में, वो उसकी बहन, उसकी मम्मी और वो लड़का 4 साल से मेरे पास रह रहे हैं और उस काकी ने घर खेत सब उसके सब उन्होंने कब्जा में कर ली दो, और उसके पति मरने के बाद में इन्हें सब जमीन वहीं हड़प लिया की है, जमीन घर घर भी डड़े दी दो, और बच्चों में बच्चा को मैं राख रही हूँ 4 साल से, बच्चे को और माँ को, मैं मेरे 3 बच्चे उसका पालन पोषण करूँ कि इसका पालन पोषण करूँ। बच्चे की क्या हाल है? बच्चे का बहुत बुरा हाल है, बच्चा लेटरिंग बाथरूम बोल सकता नहीं, लेटरिंग बाथरूम का पता चलता नहीं, अलग कमरा उसको मैंने किराए पर रख रखा है, अलग कमरा दिला रख रखा है, हाथ पग बिल्कुल विकलांग है बच्चा है, मानसिक रूप से बोलना चलना कुछ नहीं आता है उसको, बिल्कुल 80% 90% वो मानसिक है। कितने समय से आपके पास? 4 साल से मेरे पास रह रहा है वो। कौन सी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ भी अभी कुछ भी नहीं मिला है उनको, सरकार की तरफ से भी कुछ भी नहीं मिला है। और सरपंच साहब को मैंने 2 बार वहाँ जाके पट्टे के बारे में भी बोला था, हाँ आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, महीने भर बाद बनाएंगे, 15 दिन बाद बनाएंगे, हमारे को दो बार अभियान लगा था।